अब जो मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिलवाने वाला हूँ वो यहाँ के जितने भी पुलिस वाले हैं, जो मेन पुलिस वाले हैं, उनको तो इन्फॉर्मेशन देंगे कि दिल्ली पुलिस की क्या यहाँ पे व्यवस्था हो चुकी है, क्योंकि ये सब करने का भी एक अलग ही आनंद है। पब्लिक से अपील क्या करेंगे सर, क्या कहेंगे पब्लिक के लिए? पुलिस से सहयोग रखें और भाषण करें और थैंक यू। और अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, लगभग 1500-1600 लेडीज़ हैं अभी, जो कि हमने अनुमान तो 10,000 का किया था, उससे थोड़ा कमी है। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और अच्छे से अरेंजमेंट हमने लगा रखा है। आई एम श्योर जैसे इनका शुरू होता है 2-2.5 घंटे लगेंगे इनको, पूरा घूम के वापस इसी जगह पे आना है, तो हम लोग उसको ठीक से करेंगे। सर अरेंजमेंट क्या क्या हुए हैं, फोर्स कितनी है और क्या रास्तों के लिए भी कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है रास्ते के लिए, सिर्फ ये जो पुष्ता रोड है इसका एक कैरेज भी हमने पेडेस्ट्राइज कर दिया है, क्योंकि जितने श्रद्धालु आ रहे हैं हमने ट्रैफिक मूवमेंट एक तरफ से शास्त्री पार्क की तरफ से बंद किया है और खजूरी चौक तक 3.5 किलोमीटर का ये जो स्ट्रेच है इसको हमने 1 कैरेज में तो बंद किया। बाकी जितने इनके व्हीकल्स हैं ये सारे के सारे खजूरी चौक से आएंगे पुष्ता नंबर 5 की तरफ से, उसके लिए पूरा हमने एडवाइजरी, ट्रैफिक एडवाइजरी भी 2 दिन से निकल रही है और ऑर्गेनाइजर्स के साथ में मीटिंग हुई है, सभी लोगों को पता है किस तरह से होगा। सर ई रिक्शा ऑटो जो यहाँ के लोकल चलते हैं उनको भी बोला जा रहा है कि शायद वो भी कुछ दिन के लिए बंद रहेंगे, 2 या 3 दिन के लिए? नहीं नहीं, बंद नहीं करेंगे, हम लोग कमर्शियल व्हीकल्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं सर, पर जो दूसरा कैरेज वे है उसमें जो लोकल रेसिडेंट्स है वो छोटी गाड़ियों में आ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। पब्लिक के लिए कोई मैसेज कि क्या उनको संदेश देंगे, क्या कहेंगे उनके लिए? पब्लिक का फंक्शन है, पब्लिक का सहयोग चाहिए, आपके माध्यम से सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि हमारा साथ दें। आज तो कलश यात्रा है और 3 दिन हनुमंत कथा होगी, तो गैदरिंग यहाँ पे काफ़ी होगी, एरिया बहुत बड़ा है, मेरे पास 52 एकड़ का एरिया है, तो खुला एरिया है, उसमें कोई समस्या नहीं है, सिर्फ पुष्ता रोड थोड़ा सा जाम होता है, थोड़ा हम लोग के साथ बैर करें इसको। तो फ्रेंड्स देखिए यात्रा शुरू हो गई है, सारी महिलाएं निकलती हुई जा रही है, अभी मैं आगे से दिखाऊंगा कितना ज़्यादा लोग यहाँ, कितनी सारी महिलाएं आ चुकी है, आर्मी वाले लोग भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। यात्रा पूरी हो चुकी है और दोबारा से जैसे जिस स्थान से शुरू हुई थी उस स्थान पर पहुंचना था वहां पहुंच गए हैं, और मैं भी अब घर की तरफ निकल रहा हूं, मेरे को ऑटो नहीं मिल रहा क्योंकि अभी मेरे को पता ही था यहां मिलने वाला नहीं है, मैं से धीरे धीरे चल रहा हूं, अभी देखते हैं कितनी तकलीफ और झेलनी है आज मेरे को, कोशिश कर रहा हूं कोई लिफ्ट ही दे दे आज, अगर लिफ्ट दे देगा तो लिफ्ट से ही काम चला लेंगे, अदरवाइज ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ज़्यादातर लोग देख देख के रोक तो रहे हैं, अब मैं किसी को रोकता हूँ एक बार, क्या पता कोई रोक ही रहे। अरे भाई लिफ्ट दे दोगे? लिफ्ट खजूरी तक है, जहाँ तक जाओगे वहाँ तक छोड़ दूँ। अच्छा तुम्हारा कोई आ रहा है? चलो भाई का तो कोई और आ रहा है, देखते हैं भाई, अब मैं ही जाता हूँ पैदल पैदल। चल भाई ऑटो वाला रोक ले तो ऑटो में बैठ जाता हूँ, इसी ने रोक लिया भाई, मज़ा आ गया। पीछे इस ऑटो में मैं बैठा हुआ था, उससे जैसे ही मैं निकला मैंने उसे 100 का नोट दिया, खुला था नहीं तो बोलता खिला दो, मैंने कहा है नहीं, फिर उसके बाद जैसे तैसे करके उसने मुझे पैसे वापस करे, तो 5 रुपये लगते, बोला 10 रुपये लगेंगे, अब मेरे पे खुले नहीं है उसके पास, मैं कहा चलो ठीक है जैसा आप करो।
क्या वैसे भी आप महान इंसान हो, आप बाबा जी के दरबार से आ रहे हो, महान इंसान हो। तो अगर आप लोग भी बाबा जी के दरबार पे जाओगे तो आप लोग क्या हो जाओगे, महान। मुझे अपने यहाँ के ऑटो वालों का हिसाब किताब ही समझ में नहीं आता। आते समय 10 रुपये में लेके आए, बोला 15 रुपये लगेंगे। या तो बाबा के दरबार पे जा करके कृपा हो गई है मेरे को आज। भाई 10 रुपये हैं, तुम 15 मांग रहे हो। 15 रुपये मेला थोड़ी जा रहा हूँ, टोल टैक्स पे उतर जाऊँगा। टोल टैक्स तो वहीं तो है, DLF के पास ही। देख लो भाई, यही हाल है यहाँ की। बेचारी आम जनता ऐसे परेशान रहती है यहाँ पर, इनके रेट बिल्कुल अलग हो जाते हैं। बेचारे ले जाते टाइम, मतलब ये लोग ले जाते हैं टाइम का अलग तरीके से, अलग पैसों में, वापसी लाते समय इनके पैसे बढ़ जाते हैं। चलो मैं तो झेल जाऊँगा फिर भी, लेकिन जो बेचारे नौकरी करते हैं वो कहाँ से झेलेंगे। 5-5 रुपये एक्स्ट्रा मिलते ही 20,000 रुपये किराए में ही सब कुछ निकल जाता है इन लोगों का। इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होता है ये देख करके, क्योंकि कुछ लोग मेरे ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी ऑटो वगैरह भी चलाते हैं, तो नाराज़ ना हो, पर ये सच्चाई है, धोखाधड़ी मत करा करो भाई। तो मैंने कहा ना, जो बंदा ईमानदारी से काम करेगा उसके साथ तो मैं बैठूंगा। भाई जो है अभी सारे पैसे एक्स्ट्रा ही मांग रहे थे, मैं तो दे देता, लेकिन बेचारे जो डेली जॉब करने आते हैं जाते हैं भाई, ऐसे पैसे तू भी कम लिया कर तो तू भी हो जाएगा। 50 रुपये तुम थोड़ा आर्गूमेंट करना पड़ा मेरे को, उसके बाद उसने मुझे 10 रुपये में ही बैठाया, तो यही करना पड़ता है। वैसे मैं 15 रुपये से दे देता, लेकिन दिक्कत उन लोगों के लिए होती है जो बेचारे डेली जाते हैं, और उन्हें डेली जाना है तो डेली थोड़ी फालतू पैसे दे देंगे। तो मैंने जाना होता कभी कभी, तो मैं उनके रेट तो ख़राब करूँ हमारे जो डेली जाने वाले भाई लोग हैं, इसलिए बस। वरना ऑटो वालों से मेरी कोई वो थोड़ी है भाई, कमाओ खूब कमाओ, लेकिन ईमानदारी से कमाओ। मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, रास्ता नहीं है मेरे जाने के लिए, और यहीं खड़ा हो जाता तब तक, क्योंकि हमारा पुस्ता बन रहा है। पुस्ता बन क्या रहा है, अभी तो टूटा है, बनने वाला है। जब तक ये खड़ा है तब तक मैं नहीं जा सकता यहाँ से, दोनों तरफ से बंद है अपने लिए तो आज, वरना फिर मेरे को थोड़ा सा लंबा चल के जाना पड़ेगा। वैसे ही मैं थका हूँ, कहाँ जाऊँगा, यहाँ से पड़ जाएगी मिट्टी ये जहाँ से बच्चे आ रहे हैं। इधर तब तक मैं नहीं जा सकता, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल ताज़ा हालात हमारे पुस्ते के दिख ही रहे हैं आपको, ऐसी जगह रहते भाई हम, लंदन जैसी। तो कोई बात नहीं, जैसी भी है भाई, बहुत अच्छी है। हाय बच्चे, यार मैं कौन पूछ रही, खाना खाया नहीं? मेरे को लगा मम्मी कह रही थी भंडारा वगैरह हो रहा है वहाँ पर, वहीं से खा के आ जाएगा। मैंने कहा क्या पता ना खा के आए। ए शर्मिला बॉय बेबी।